स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर में गुरुवार को नगर निगम के बाहर जल संकट को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया था, जिसको लेकर शुक्रवार को महापौर अनिल भोसले ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। महापौर ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए निगम ने पहले से पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। शहर के सभी वार्डों में ट्यूबवेल भी करवाए गए हैं। पानी की टंकियां और टैंकरों से लोगों को पानी की पूर्ति की जा रही है। उसके बावजूद हमारे पार्षद साथी इस तरह आंदोलन कर निगम की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर भोसले ने कहा कि सभी ने मिलजुल कर इस समस्या के निराकरण के लिए एक साथ आना चाहिए। जो वातावरण कल बनाया जा रहा था वो दुखद है, क्योंकि शहर की जनता को माँ एक ताप्ती हमारी विशाल नदी हमारे शहर से जाती है और दूसरी उतावली नदी जो हमारे शहर से यहाँ संगम होता है ताप्ती माता में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम के स्रोत उतावली नदी पे है हमारे, और उतावली नदी के बाद में हमारे छोटे पुल पर ताप्ती नदी पर नगर निगम के स्रोत है, जिससे बुरहानपुर में 48 वार्ड है, 3 लाख की जनसंख्या है और 48 वार्डों में लगातार पानी सप्लाई चल रहा है। हमारी 5 टंकी हम रोज भर रहे हैं और टंकी भरने का तात्पर्य होता है कि जनता को रोज हम पानी दे रहे हैं, कि नगर निगम पूरी तैयारी कर चुकी है। हमने 50 जो हमारे छोटे टैंक है वो भी नगर निगम से खरीदे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर टैंक रखेंगे और उससे हम पानी भरेंगे। दूसरा, हमने 10 टैंकर नए खरीदने का निर्णय कर लिया है। 10 टैंकर हमारे ऑर्डर दे दिए, जनता के लिए हम वो टैंकरों की व्यवस्था करेंगे। तीसरा, हमने 5 ट्रैक्टर नए खरीद लिए, जो अभी हमारे पास 5 वर्तमान में है, पर ये मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि कहीं संकट और गहराता है गर्मी में, तो हमारी तैयारी है।